सो हेलो फ्रेंड्स एंड अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड वो क्यों होने वाला है वो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। सो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ यहाँ गांधी मैदान में, एंड मैं क्यों आई हूँ इसका पता तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। सो गाइज, गांधी मैदान में लगा हुआ है कश्मीरी उलेन का बहुत ही बड़ा मेला, एंड कश्मीरी उलेन मेला से मतलब मेरे कहने का मतलब कुछ लोग समझ ही गए होंगे। सो गाइज, ये है गांधी मैदान। अभी मैं पहुंच गई हूँ गांधी मैदान में, एंड आप लोग देख ही सकते हो इतना ठंड होने के बाद भी यहाँ कितना ज़्यादा भीड़ है। एंड गांधी मैदान में कश्मीरी उलेन मेला लगने के साथ साथ यहाँ डिज्नीलैंड भी लगा हुआ है। तो इसका वीडियो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कल डला जाएगा, तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो देख लेना जाके। सो गाइज, अभी आप देख सकते हो मतलब गांधी मैदान के गेट से ही यहाँ से मेला स्टार्ट हो गया है। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये मेला के बाहर ना, मतलब कि कश्मीरी उलेन मेला का जो शॉप है उसके बाहर से ही इतना सुंदर सुंदर इयररिंग्स यहाँ पे अंकल लोग बेच रहे थे। तो आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा प्यारा होप्स इयररिंग्स। सो गाइज, मुझे ना इयररिंग्स जहाँ भी रहता है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है अपने जगह, वहाँ पे भाग के मैं जाती हूँ। पहले वीडियो तो बाद में, पहले तो इयररिंग्स देखने जाती हूँ कि देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा प्यारा इयररिंग्स है। ऑक्सीडाइज इयररिंग्स मिल जाएगा, एंड आपको ये नया नया ट्रेंडिंग झुमका इयररिंग्स मतलब कि हो जो भी कहते हैं आप लोग, जो भी कहते होगे, मैं तो बस सारे इयररिंग्स टाइप को इयररिंग्स ही बोलती हूँ। तो जो भी झुमका झुमकी है, एंड यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे एकदम सुंदर सुंदर मतलब बहुत ज़्यादा वेराइटी का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसका प्राइस सारा 30 रुपये में ही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, इसका स्टार्टिंग प्राइस होता है मतलब ये 100 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस है। एंड ये बहुत ही प्यारे प्यारे ऑक्सीडाइज झुमके हैं जो कि मतलब ट्रेडिशनल कुर्ती सूट वगैरह पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो कि सूट करने वाले हैं। सो गाइज, आप लोग अगर आओगे तो यहाँ से ले लेना। एंड ये वाले इयररिंग्स मुझे काफ़ी पसंद थे, बट इसमें एक नहीं था तो मैंने वो नहीं लिया। सो गाइज, अभी मैं पहुंच गई हूँ शॉप नंबर 1 में। एंड यहाँ पे इस शॉप में ना लेडीज़ जेंट्स किड्स सबके लिए स्वेटर्स सारे कुछ हैं। सो गाइज, यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस इसका 100 रुपीज़ से शुरू होता है, एंड यहाँ 100 रुपीज़ के सेल में पड़ा हुआ था मेंस के लिए जैकेट स्वेटशर्ट। एंड ये जो है ये लेडीज़ के लिए है, एंड ये लेडीज़ जैकेट है, एंड इस ये 250 से स्टार्टिंग प्राइस है इसका। एंड इसका क्वालिटी भी बहुत बहुत बढ़िया था, एंड आपको बहुत सारे कलर्स में यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एंड मतलब कि लेडीज़ के लिए सूट एंड साड़ी पे पहनने वाले जो कार्डिगन्स वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे बहुत मतलब कि 650 से स्टार्टिंग प्राइस था, एंड काफ़ी अच्छा अच्छा स्वेटर्स वगैरह मिल रहे थे। सो गाइज, अभी इस वाले शॉप पे आपको मिल जाएंगे बच्चों के लिए टोपी वगैरह। एंड ये दूसरा शॉप है, एंड इस शॉप पे भी आपको शॉल्स जैकेट ये सब यहाँ पे मिल रहे थे। एंड यहाँ पे एक लाइन से बहुत सारे शॉप्स थे, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मतलब ये लोग ना मतलब ये प्राइस का टैग लगाए रहते हैं, एंड जहाँ पे फिक्स प्राइस लिखा रहता है वहाँ पे बारगेनिंग नहीं होता है। एंड यहाँ पे जैकेट्स वगैरह थे फुल हाफ जैकेट, एंड ऐसे सेल में भी बहुत सारा पड़ा हुआ था। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लॉन्ग ब्लेजर का जो प्राइस है वो 350 से स्टार्टिंग होता है। एंड ये जो स्वेटर्स है ना इतने प्यारे प्यारे वो 250 के सेल में निकले हुए थे। एंड ये बहुत सुंदर सुंदर मतलब कि स्वेटर्स थे, एंड कलर्स भी बहुत ही प्यारा प्यारा था लड़कियों के लिए, एंड मतलब कि बहुत ही अच्छा अच्छा मतलब वैरायटी निकला हुआ था। एंड आप लोग देख सकते हो ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, एंड इसका प्राइस वगैरह भी सारा लिखा हुआ रहता है। आप लोग देख सकते हो ये सब जो लॉन्ग कोट है ना वो सबका प्राइस 500 से मतलब अंडर 500 था, मैंने भैया से पूछा था तो उन्होंने बताया। एंड ये सब आप लोग स्वेटर जो देख सकते हो वो सब 250 के सेल में था। एंड यहाँ पे कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा प्यारा था, एंड बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे थे। मैंने 2-3 स्वेटर्स अपने लिए भी ले लिया था। सो गाइज, अभी आप लोग देख सकते हो सो गाइज, आपको ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको एक नहीं पसंद है तो आप दूसरे शॉप पे जाओ, वहाँ भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको किसी से प्राइस पूछने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। सो गाइज, अभी मैं पहुँची हूँ इस वाले स्टॉल पे, एंड यहाँ पे बहुत सारा स्टॉल वगैरह था। एंड ये फर वाला स्टॉल काफ़ी अच्छा था, एंड इसमें बहुत सारे कलर वेरियंट भी थे। एंड अगर आप लोग को ये सब पसंद है तो आप लोग आके इसे ले सकते हो, एंड इसका स्टार्टिंग प्राइस 250 रुपये से स्टार्ट था।
एंड गाइस आप लोग देख सकते हो ये नाइट सूट वगैरह सारा विंटर के लिए था, एंड ये मेंस का स्टार्ट था यहाँ पे स्वेट शर्ट जो कि 100 रुपये के सेल में निकला हुआ था, एंड यहाँ बहुत प्यारा प्यारा सा कलर्स भी था। एंड गाइज यहाँ पे उलेन मेला में ना मतलब कि बहुत सारे शॉप्स हैं, एंड सारे शॉप पे ना मतलब कि 100 रुपये का स्टार्टिंग प्राइस भी ही रहता है। 100 रुपये से लेके आपको 1000 रुपये तक में अच्छे अच्छे मतलब कि ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 699 रुपये में लेडीज़ के कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से कलर्स में स्वेटर्स वगैरह थे, एंड यहाँ बच्चों के लिए भी जैकेट वगैरह सब बहुत सारा था। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं अब आगे जा रही हूँ, एंड ये इस वाले शॉप पे आप देखो 250 में ये स्वेटर्स वगैरह सारे निकले हुए थे, एंड यहाँ पे बहुत सारा मतलब कि सेल में कपड़ा निकला हुआ था, एंड सारे 100-100 रुपये में काफ़ी अफोर्डेबल एंड बहुत प्यारे प्यारे कलर्स भी हैं यहाँ। एंड यहाँ पे बस कपड़े का नहीं बहुत सारा शॉप भी है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। सो गाइज मुझे यहाँ पे एक मिल गया कीचेन का शॉप जो कि मतलब जहाँ बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे कीचेन वगैरह सब चाबी वगैरह सब टांगने वाले मिल रहे थे, एंड ये इस पे ना नाम भी लिखवाया जाता है जो कि नाम लिखवाने का इनका प्राइस था 40 रुपये। एंड यहाँ पे बहुत मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे शेप में बहुत अच्छा अच्छा चीज़ था। एंड अगर आप लोग थक गए होंगे शॉपिंग करते करते तो यहाँ खाने पीने का भी बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया हुआ है, आप लोग खा पी भी सकते हो, चाय ब्रेड पकौड़ा एंड बहुत सारे खाने के भी स्टॉल थे। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना ही अच्छा अच्छा स्वेटर्स वगैरह था तो आप लोग ले भी सकते हो। एंड हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे जो मतलब कि सेल तो लिखा हुआ है आपको 200 में मिल जाएंगे स्वेटर्स वगैरह, एंड कलर बहुत प्यारे प्यारे मुझे लगे थे यहाँ पे हर मतलब कि। बट आपको क्या करना है ना ये सारे स्वेटर्स लेते टाइम ना आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको देख के लेना है, क्योंकि यहाँ पे ना टैग भी लगा हुआ है कि बिका हुआ सामान वापस नहीं आता है, तो आप लोग को सोच समझ के लेना पड़ेगा। एंड फिर मुझे ये दिख जाता है शॉप जो कि उज्जैन का है, एंड वुडन यूनिक मतलब कि देख सकते हो आप एक तरह का एंटीक पीस टाइप का था। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा अच्छा चाबी टांगने वाला है, ये फेसबुक है, एंड यहाँ पे ओम वगैरह है जो कि आप लोग तो कि डोर के सामने लगा सकते हैं, यहाँ पे फ्लावर वॉश वगैरह था। एंड ये मिरर मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा था, एंड मिरर का स्टार्टिंग प्राइस 200 से शुरू था। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉर्न वगैरह सब मिल रहा था, स्वीट कॉर्न वगैरह तो आप लोग खा पी भी सकते हैं। यहाँ बच्चे का टोपी था जिसका प्राइस 100 रुपये से शुरू था, बच्चे मेंस गर्ल्स सबके लिए टोपी था, एंड ये है कान में लगाने वाला जो भी कहते हैं इसको। एंड भैया से मैंने इसका प्राइस पूछा तो उन्होंने 150 बताया। एंड यहाँ पे सॉक्स भी थे जो कि 100 रुपये पेयर थे, ये सारे सॉक्स मतलब कि 100 रुपये के थे, एंड यहाँ पे 100 रुपये से सारे सॉक्स वगैरह सब स्टार्टिंग प्राइस थे इनके 100 रुपये। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कॉस्मेटिक्स के भी बहुत सारे सामान है। मैंने अगला शॉप पे गया तो यहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा मुझे ये रबर वगैरह मिला, रबर क्लिप्स यहाँ पे देख सकते हो, ब्रेसलेट गर्ल्स के लिए ब्रेसलेट भी बहुत ही अच्छा अच्छा था यहाँ पे, क्लिप्स कोरियन वाला मतलब कोरियन स्टाइल का क्लिप्स, एंड यहाँ एंकलेथ वगैरह बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ था कॉस्मेटिक्स में। मैंने इनका दाम पूछा तो 50 रुपये बताया अंकल। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मुझे हेयर बैंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एंड यहाँ पे चेन भी थे जो कि 3 लेयर में चेन था, एंड मैंने यहाँ से एक चेन ख़रीदा था काफ़ी मतलब कि बार्गेनिंग करने के बाद मुझे वो चेन मिला, एंड ये शॉप मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड यही चेन मैंने ख़रीदा था, इसका प्राइस भैया 150 बोल रहे थे, बट मैं बहुत देर तक मुंह बना के खड़ी रही तो वो बोले कि ठीक है ले जाओ 100 रुपये में, तो मुझे ये 100 रुपये में मिल गया। एंड ये आप हेयर बैंड देख सकते हो, एंड यहाँ पे ना स्टेशनरी का भी बहुत ही यूनिक यूनिक सा आइटम है, आप लोग को अगर स्टेशनरी देखो अभी भैया मुझे दे रहे थे, एंड आप लोग को अगर स्टेशनरी चीज़ मतलब कि अच्छा लगता है आपको कलेक्शन बनाना तो आप लोग ले सकते हो, फिर अभी वो मुझे दे दिए हैं बारगेनिंग करने के बाद फाइनली। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ एंकलेट वगैरह काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ था, एंड मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है तो मैं तो ले ही लेती हूँ। तो मैंने ये एंकलेट का पूछा प्राइस तो वो सीधे 40 रुपये बता रहे थे, तो मैं दूसरे शॉप पे जाती हूँ। एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हो फिर से मतलब कि यहाँ पे अगर एक शॉप पे मन नहीं भरा तो आप लोग दूसरे शॉप पे जा सकते हो, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर मुझे टोपी का शॉप दिख जाता है, एंड यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन थे टोपीज़ के, एंड यहाँ पे डोरमेट वगैरह भी लगा हुआ था, डोरमेट का भी शॉप था, एंड यहाँ भी सारा मतलब कि सेल में निकला हुआ था ये डेनिम, ये जो डेनिम है ना
ये सारे मतलब कि 200 के सेल में निकले हुए थे। एंड ये जो मेंस का है वो सारा 550 का था। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतना सारा कपड़ा है। आप लोग को अगर कपड़ा आप लोग ले रहे हो तो अच्छे से चुन चुन के आपको लेना पड़ेगा। एंड आपको देखना पड़ेगा कि कहीं कुछ दाग वाग तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि वो कोई कोई होता है उसमें कि यूज किया हुआ रहता है एंड किसी किसी में दाग वगैरह लगा रहता है। तो आप लोग को देख के लेना पड़ेगा आपको जो भी आप लोग ले रहे हो, एंड सोच समझ के लेना पड़ेगा क्योंकि बिका हुआ सामान वापस नहीं आता है। सो मैं नेक्स्ट शॉप पे गई एंड यहाँ पे मुझे दोनों साइड ही कॉस्मेटिक्स के दिख गए। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे इयर रिंग्स वगैरह सब थे। एंड मुझे तो मन कर रहा था सारे चेन्स मैं खरीद लूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये सारे चेन्स लेयर्स में जो है। एंड बहुत प्यारे प्यारे चेन्स वगैरह थे एंड होप्स था। एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये थर्ड लेयर का चेन तो आप लोग भी ले सकते हो। एंड ये यहाँ पे स्टेशनरी वगैरह तो मैं अपनी सिस्टर के लिए भी कुछ कुछ स्टेशनरी ले ली थी। एंड यहाँ पे क्लिप्स वगैरह भी है, तो आप लोग यहाँ से आके अगर आप अभी तक नहीं आए हो तो आप लोग आके ले सकते हो। एंड ये वॉच मुझे लगा कि ये वॉच है बट नहीं, ये ना इरेजर और शार्पनर है। सो गाइस यहाँ पे अब दूसरे शॉप पे गए ना तो मुझे ये दिखा, यहाँ पे एक अच्छा सा चीज़ दिखा, यहाँ पे ड्रीम कैचर वगैरह था एंड लॉर्ड बुद्धा का भी मतलब कि बहुत सारा शो पीस टाइप का बहुत सारा यहाँ पे मूर्ति था जिसका स्टार्टिंग प्राइस 23 रुपया था। एंड ये ड्रीम कैचर जो है इसका स्टार्टिंग प्राइस 500 रुपया था। एंड ये चिड़िया का स्टार्टिंग प्राइस, ये चिड़िया 150 में मिल रहा था तो मैंने इसे भी एक ख़रीद लिया। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाय कितनी प्यारी है ना। तो गाइस आप लोग यहाँ से अपने घर को सजाने के लिए भी बहुत सारे सामान ले सकते हो। आप लोग देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे हैं। तो गाइस मुझे तो यही वाला शॉप काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सामान था। एंड फिर से मुझे दिख जाता है प्यारा सा कॉस्मेटिक जो कि दोनों साइड से भरा पड़ा था। यहाँ पे क्लिप्स थे, इतने सारे क्लिप्स थे एकदम से रंग बिरंगा। एंड मैं अपनी बहन के लिए ये पॉपिट वाला कीचेन ले रही थी बट उसके नाम का कीचेन नहीं मिला मुझे, पी वर्ड ही नहीं था, ख़त्म हो गया था अंकल से मैं पूछी तो। एंड उसके बाद मैं ये जो डॉल है ना ये भी मैं एक ले ली हूँ। एंड यहाँ पे बहुत सारे यहाँ इस शॉप पे भी बहुत अच्छा अच्छा सामान था। आप लोग जाना तो इस शॉप ज़रूर कुछ ना कुछ ख़रीद लेना। एंड यहाँ पे देखो स्टेशनरी का कितना प्यारा प्यारा सा सामान है, पेंसिल है, रंग बिरंगा इरेजर शॉर्पनर वगैरह। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से हेयर बैंड वगैरह सब कुछ है यहाँ पे लोग की। एंड यहीं से मैं ना एक अपनी बहन के लिए ली थी। एंड ये है शॉर्पनर, बहुत ही प्यारा सा शॉर्पनर है। एंड ये पिकाचू का शॉर्पनर है। एंड मतलब कि शॉर्पनर इरेजर वगैरह काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह मिल जाएंगे आपको, यहाँ सब चीज़ के ऑप्शन मिल जाएंगे, क्लिप्स इयर रिंग मतलब कॉस्मेटिक्स से लेके स्टेशनरी से लेके होम डेकोर से लेके आपको स्वेटर जैकेट सब कुछ मिल जाएंगे आपको। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोरियन क्लिप्स भी है जिसका स्टार्टिंग प्राइस 40 रुपये था। और ये सारे जो ये क्लचर वगैरह है ये सारे 40 रुपये के हैं। एंड ये सारे इयर रिंग्स जो है वो सारे 30 रुपये के थे। एंड ये आप इयर रिंग्स वगैरह देख सकते हो। एंड ये सारे क्लिप्स जो थे ना वो सारे 60-60 रुपये के थे, ये 60 रुपये का एक क्लिप था। तो आप लोग सोच सकते हो कितना महंगा है, ये सारे 60-60 के थे। एंड यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं अचार का भी शॉप था, अचार पापड़ मतलब कि आपको सारे चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे, चांद सितारा भी था, यहाँ पे कैंडी भी था अच्छा अच्छा एंड यहाँ पे अचार वगैरह भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, चिप्स अचार मतलब कि आपको हर वेराइटी के अचार यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप लोग आने से अगर अचार आप लोग को ज़्यादा पसंद है तो आप लोग आगे ले सकते हो। यहाँ हर वैरायटी का अचार था, आम का, लहसुन का एंड आंवला का मुरब्बा सब कुछ था यहाँ पे इस वाले शॉप पे। तो अगर आप अचार अचार पापड़ आपको अगर लेना हो, आम पापड़ वगैरह भी था। एंड यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से कैंडी भी थे। एंड मैंने इसका प्राइस पूछा तो वो बताया 20 रुपया, तो इस कैंडी का 20 रुपया प्राइस है। अगर आपको खाना हो तो आप यहाँ पर आके ले सकते हो। एंड ये अचार का ना बस दो ही शॉप था पूरे ओलेन मेला में। एंड यहाँ पे पापड़ वगैरह भी बहुत सारे वैरायटी में थे। एंड आप लोग आना तो इस शॉप से ज़रूर कुछ लेना, यहाँ अचार बहुत टेस्टी था। एंड आपको यहाँ पे मिल जाता है किचन का भी सामान। एंड यहाँ पे मतलब कि हाँ किचन का हर एक सामान था। एंड प्यारे प्यारे से मग्स वगैरह थे, मग का स्टैंड भी था, मग पैन
मतलब कि हर चीज़ किचन से जुड़े हुए हर चीज़ इस मतलब कि इस शॉप पे थे। तो आप लोग आओगे तो मतलब कि किचन से भी कुछ कुछ सामान ले सकते हो। यहाँ पे बहुत ही मतलब कि इजली ग्राइंड वगैरह करने का मशीन भी था। सो गाइज अभी आ गए इस दूसरे वाले शॉप पे एंड यहाँ भी देख सकते हो आप लोग इतना सारा स्वेटर्स वगैरह ऐसी पड़ा हुआ है। एंड ये सब भी अब ये यहाँ पे था ना, यहाँ अंकल भी पहन के हम लोग को दिखा रहे थे तो मैंने उनका क्लिप्स ले लिया था। एंड यहाँ पे देख सकते हो 100 रुपये के मतलब कि 100 रुपये के सेल्स में ये सब निकला हुआ था एंड 100 का 2 पीस। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप एकदम से खाने पीने का भी सामान था एंड यहाँ फिर से अचार का शॉप आ गया था एक। एंड यहाँ पे मतलब कि अच्छे अच्छे पापड़ चिप्स वगैरह भी थे। एंड यहाँ पे आपको खाली मतलब कि हर जगह आपको शॉप शॉप दिखने लगेगा। हमें बहुत सारे दुकान से अगर आपको एक दुकान पे नहीं तो आप दूसरे दुकान पे जाके सामान ले सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए मतलब कॉस्मेटिक का भी बहुत सारा दुकान था एंड कॉस्मेटिक के भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कि दुकान में बहुत महंगा रहता है बट यहाँ पे आपको कुछ बार्गेनिंग करने के लिए भी मिल सकता है। बार्गेनिंग करने पे आप लोग को दे सकते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत बार्गेनिंग किया है। अगर आप बार्गेनिंग करते हो तो मैं जान लूँगी कि हाँ आप लोग गर्ल्स हो। तो कमेंट में मुझे कमेंट करना कि आप लोग बार्गेनिंग करते हो या नहीं मार्केटिंग करने टाइम। एंड मुझे फिर से ये एक चीज़ दिखा यहाँ पे, यूनिक यूनिक सा एकदम नेक पीस, जो कि मुझे मतलब एक यही शॉप था मुझे जो इतना यूनिक नेक पीस मुझे दिखा। एंड यहाँ पे ईयरिंग्स वगैरह भी थे एंड मुझे ये नेक पीस ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया। एंड ऑक्सीडाइज नेक पीस भी था यहाँ पे। एंड आपको मतलब कि जैसा इंगेजमेंट वगैरह में होता है वैसा नेक पीस था। एंड यहाँ पे चूड़ी बैंगल्स मेटल्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारे थे। एंड ये सब का स्टार्टिंग प्राइस था मतलब कि 150 से ये सब शुरू हुआ था। एंड गाइस फिर मैं अगले शॉप पे गई ना तो मुझे ये दिखा, ये डेनिम जिसका प्राइस था बस 200 रुपया। एंड मुझे लगा नहीं कि ये 200 का है। तो मैं ये सब करने के बाद मुझे लग गया था भूख एंड मैं खा रही हूँ यहाँ पे इडली। एंड आप लोग भी आना तो प्लीज़ ये इडली ज़रूर खाना, क्योंकि ये बस 20 रुपये का इडली एंड इतना ज़्यादा टेस्टी था। मतलब भैया यहीं पे बैठे बैठते हैं तो आप लोग आओगे तो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से इडली खाते हुए तो ज़रूर जाना। सो गाइज अगर आप पटना में अभी तक कश्मीरी उलेन मेला नहीं देखे हो तो एक बार आना। एंड हाँ आके देखना, बहुत मज़ा आएगा। एंड आपको बहुत सारे अगर आप शॉपिंग नहीं भी करोगे ना फिर भी आप कर लोगे, इतना ज़्यादा आपको हर चीज़ अट्रैक्टिव लगेगा। सो गाइस मेरा आज का ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय बाय एंड स्टे ट्यून विद मी। एंड अगर आप नहीं घूमे हो तो आके जल्दी जल्दी घूम लो।